माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने आज जम्मू कश्मीर प्रदेश के अत्यंत दुर्गम एवं बर्फीले क्षेत्र लद्दाख के प्रतिनिधि के रूप में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के समर्थन में धन्यवाद भाषण के लिए कुछ शब्द कहने की अवसर और अनुमति प्रदान की। अध्यक्ष जी, बढ़ते रहो। आज भारत के आम जनता खुशकिस्मत और गौरवान्वित है कि आजादी के इतने वर्षों बाद देश में एक आम लोगों की सरकार बनी है, जहां आम किसान, मजदूर, दबे पिछड़े, गरीब, लाचार, युवा युवतियों, छात्रों, ठेले वाले, छोटे व्यापारी जैसे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को पहली बार अपनी सरकार में अपने लोगों के प्रतिनिधि के रूप में देखने का अनुभव हो रहा है और मैं गर्व महसूस करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अपने क्षेत्र के निवासियों के आशीर्वाद से। एक युवा होने के बावजूद भी मुझे इस सदन में खड़ा होने का जो मौका दिया और ये केवल मोदी जी के लीडरशिप में ही मुमकिन हो पाया है, इसीलिए नारा लगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मेरे जैसे लाखों युवा युवतियों को भी अब समाज और देश सेवा से जुड़ने की प्रेरणा मिलने लगी है। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ और निस्वार्थ भाव से समाज और जन सेवा की जा सकती है, इसका अनुभव हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल हम युवाओं को सिखाया बल्कि खुद करके दिखाया भी है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मैडम स्पीकर, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं और एक ही समय पे दो सदस्य नहीं बोल सकते। मैडम स्पीकर, हाउस का डिकोरम है, जब आपने अनुमति प्रदान किया मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं। अब मेरे बोलने के समय वो कहें तो मैं क्या बोलूं मैडम स्पीकर, और दिस इज माय मैडम स्पीच, ये मेरा फास्ट स्पीच है और उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित अनेक प्रकार के योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ज्यादा लंबी सूची नहीं पढ़ूंगा, सीधा मुद्दे के बात करूंगा। मुझे याद है वो दिन जब लद्दाख के चंगतंग जैसे सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र के एक बुजुर्ग नागरिक का जब पहली बार जनधन योजना के तहत बैंक में खाता खुला और उनके हाथ में एटीएम कार्ड दिया गया तो वह खुशी से रोने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भी कभी बैंक में खाता खुल पाएगा। अब सपने में क्यों नहीं सोचा आज तक, ये एक डिबेट की मुद्दा है। पिछले 55 वर्ष इस भारत राष्ट्र पे जिन्होंने राज किया, लद्दाख को आज तक नहीं अपनाया। मैं इस सदन को आपके माध्यम से याद दिला दूं, 1965 के युद्ध के बाद जब अक्षय चिन्ह उस तरफ चले गए तो किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया जो आज तक लद्दाख वालों को डिमोरलाइज करके रखा। कहा था कि वहां तो एक गज का तिनका भी नहीं उगते, वहां केवल गज का तिनका ही नहीं बल्कि सब जानते हैं वहां पश्मीना के उत्पादन होते हैं, वहां सोलर एनर्जी के स्कोप होते हैं, वहां जियो थर्मल प्रोजेक्ट के स्कोप होते हैं, वहां आजकल टूरिस्ट बूमिंग पे है, यूरेनियम है। इस सारे अपॉर्चुनिटी को अगर जानने की कोशिश किया तो केवल नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पहला प्रधानमंत्री है जो अपने 5 साल के कार्यकाल में लद्दाख जैसे क्षेत्र में 4 बार आते हैं। मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रवाद और सीमा सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार के द्वारा सैनिकों के मनोबल और आकांक्षाओं को ऊपर उठाने के लिए
अनेक योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सुरक्षा बलों को इससे निपटने के लिए पूरे छूट दी गई है। महोदय अभी तो बोलना शुरू किया है, प्लीज। परिणाम स्वरूप कश्मीर में आतंकवादियों के सफाये के साथ साथ राष्ट्र विरोधियों पर शिकंज कसता जा रहा है, जिसके कारण पत्थरबाजी की घटनाओं में निरंतर कमी आ रही है। महोदया, मोदी है तो मुमकिन है। वैसे तो वर्तमान सरकार ने देश के सभी हिस्सों के विकास पर समान रूप से ध्यान दिया है, परंतु जम्मू कश्मीर जैसे सीमावर्ती राज्य पर विशेष ध्यान दिया है। आतंकवादी गतिविधियों पर रोक के लिए जहां स्थानीय युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार के लिए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं, वहीं आतंक और हिंसा का सहारा लेने वाले लोगों से सख्ती निपटा जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से देश के अंदर और बाहर के दुश्मनों और आतंकवादियों को कड़ा संदेश दे रहा है। शिक्षा के संस्कार के स्थानीय सांसद सभापति महोदय प्लीज, मैंने अपने क्षेत्रों को अभी मुद्दा छूना है, मैं थोड़ा थोड़ा टच करके जाऊंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपकी अनुमति से शिक्षा को संस्कार के साथ जोड़ने पर बल दिया जा रहा है। भारत के गौरवमय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहा है। लद्दाख में यूनिवर्सिटी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने के कारण वहाँ के दूर दराज के लोग अनेक प्रकार के कष्टों और